इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 21,391 पोस्ट की। एग्जाम पूरी तरह समाप्त हो गया, बात करेंगे इसके रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, दूसरा कट ऑफ कितना जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है बिहार पुलिस कांस्टेबल में पहले जो प्रोसेस है वो रिटर्न एग्जाम का होता है, फिर फिजिकल का होता है, फिर आपकी कट ऑफ बनती है। कट ऑफ जो है फिजिकल के आधार पर बनती है, ये आप सभी को पता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ कितना जाएगा। फिजिकल के कट ऑफ की सभी बात करते हैं, लेकिन रिटर्न एग्जाम के कट ऑफ की कोई बात नहीं करता। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के कट ऑफ की बात अभी नहीं करेंगे, रिटर्न एग्जाम के कट ऑफ की बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा, एकदम सटीक बताएंगे और उसी दिन रिजल्ट आएगा। ये बात आप गांठ बांध लो, क्योंकि इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है ना, सही और सटीक जानकारी दी जाती है, फालतू की वीडियो नहीं बनाई जाती है, ये बात आप जान लो। अगर आपको विश्वास है तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला अपडेट हम आपको दे सके, क्योंकि भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल पे आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। देखिए, अब 30 तारीख जो था लास्ट डेट रिटर्न एग्जाम का, वो पूरी तरह समाप्त हो गया, रिटर्न एग्जाम अब नहीं होना है। तो अब से 1.5 महीने के अंदर आपकी जो कॉपी है वो चेक हो जाएगी। आपको पता है अपडेट हो गया सिस्टम, है ना, OMR जो चेक होता है वो फुल्ली एकदम मशीन ऑपरेट करती है ना, इसमें कुछ नहीं करना होता, सभी कुछ डिजिटल है ना। आपकी कॉपी जो चेक होगी वो फुल्ली डिजिटल तरीके से होगी, मशीन से होगी, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, एग्ज़ाम पूरा फ्रेश है ना। बात करेंगे, कहीं कहीं धांधली भी हो बाद में बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं कि देखिए 1.5 महीने में आपकी कॉपी चेक हो जाएगी और 15 दिन जो है CSVC थोड़ा सा अपना जो है अंदर प्रोसेस रिजल्ट देने का, वो 15 दिन टाइम लेगी। 15 दिन के बाद आपका जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी मान के चलिए आपका रिजल्ट 2 महीने के अंदर आ जाएगा। ये अनुमान नहीं है, ये सटीक डाटा हम बता रहे हैं। अब आप बोल रहे होंगे डेट बताओ, डेट अभी नहीं बताएंगे, डेट कुछ दिन रुक जाइए, डेट भी हम वही डेट बताएंगे, फिक्स डेट है, उसी दिन आपका रिजल्ट आएगा। इतना जान लीजिए 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, तो फिजिकल में लग जाइए। अब बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ जाने वाला है रिटर्न एग्जाम का। तो देखिए रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ आपको क्लियर बता रहे हैं कि अगर आपका 76 स्कोर है ना रिटर्न एग्जाम में, 76 जनरल वाले सुन लो, 76 रिजल्ट आ रहा है, आपका नंबर आ रहा है जनरल का, तो आप जो है बेड़ा पार है, यानी 76 जिसका भी आ रहा है 76 उनका बेड़ा पार है, वो जल्दी से फिजिकल में लग जाओ, है ना, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बताने वाला। जनरल का हमने बता दिया, अगर 76 प्लस है तो समझ लो आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना। 76 से कम है तो आपको थोड़ा सा सब्र करिए, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम क्लियर नहीं बताएंगे, लेकिन 100% ये जानकारी सही है कि 76 है तो आपका बेड़ा पार है, फिजिकल में लग जाओ। अब बात कर लेते हैं इस रिटर्न एग्ज़ाम में धांधली कितने परसेंट हुआ। देखिए धांधली हुआ है, ये इस बात से हम भी सहमत हैं और आप भी जानते हो भली भांति आउट हुआ, लेकिन किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है। सभी डिस्ट्रिक्ट का जो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अरेंज किया गया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है 24 सेट थे, तो आउट हुआ है, लेकिन ये रिपोर्टिंग टाइम के बाद आउट हुआ है। तो हम इस पर नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे, इस पर अलग टॉपिक पे मतलब पूरा विस्तार में आपको बताएंगे। फिलहाल इतना जान लो, जो हमको अपडेट देना था वो हमने दे दिया कि रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितना जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।